अध्याय एक, पृष्ठ संख्या एक, रहस्य प्रकट होता है। बॉब प्रॉक्टर, जो एक दार्शनिक है, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक है, कहते हैं, रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो विटाल, जो एक मेटाफिजिशियन है, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक, कहते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन असाराफ, एक उद्यमी है और धनार्जन विशेषज्ञ है, कहते हैं, हम जिस चीज को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीज कितनी बड़ी है और आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं? डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी, एक दार्शनिक है, काइरोप्रैक्टर, उपाचारक और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ, कहते हैं, यह जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस वेटली, एक मनोवैज्ञानिक हैं और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक, कहते हैं, अतीत से जिस लीडर के पास रहस्य था, वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी जिंदगी इसी चक्की पर चलती रहती थी। उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में ऐसे बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक का यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी करी। माइकल बर्नार्ड वेकविथ, एक भविष्यद्रष्टा और अपेक इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक हैं, कहते हैं, मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं, वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार। जैक कैनफील्ड, एक लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक वक्ता, कहते हैं, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप शायद यह सोच सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में जरा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, न्यूयॉर्क या जहां कहीं भी रहते हों, हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं, आप उन्हें अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में हैं। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। प्रिंटिस मलफोर्ड, 1834 to 1891।
दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लैक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो द विंची ने इसे अपनी पेंटिंग्स में उकेरा। सुक्रात, प्लेटो, रेल्फ, वाल्डो, इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन विल्फगैंग वॉन गेटे एंड विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हमीटिंग परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन की, मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इसे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हॉर्नेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था। हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति की महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक हैंगिंग गार्डन इसी संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर ये भी कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज का ज्ञान है। दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझकर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़े नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो न हो। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ यह था कि
पहले वो दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, लेकिन वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया, जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पल्ला हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पल्ला भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पल्ले को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वह जैसे भी हों। समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जॉन असाराफ। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज से ज़्यादा शक्तिशाली है, और वह अबूझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेक्षित है। बॉब डायल एक लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ हैं। कहते हैं, मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि आप कोई भी विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपको देने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो। हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उसे अपने दिमाग के बाहर नहीं निकाल पाए हों। वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करने पर आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे, इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। जॉन असाराफ कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन यह आसानी से पता चल जाता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं अब तक। अब आप रहस्य सीख रहे हैं
और इस पर अमल करके हर चीज बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आपके दिमाग में आप ये सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली, एक लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता, कहते हैं, यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है कि विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम के आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं, विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाएंगे। जॉन असाराफ, ज्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं, इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको जरूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रिक्वेंसी को लगातार संप्रेक्षित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं जो उस जैसी चीज को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। चार्ल्स हॉनेल, 1866 से 1950। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो ये विचार संप्रेक्षित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाली चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक वापस लौटती है और वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें, हम जानते हैं कि किसी टेलीविजन स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रिक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविजन की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रिक्वेंसी होती है और जब हम उस फ्रिक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविजन पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुनकर फ्रिक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हम उन चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें पाते हैं। अगर हम अपने टेलीविजन पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रिक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविजन टावर से ज्यादा शक्तिशाली हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रिक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है और वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है और उस फ्रिक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती, वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रिक्वेंसी पर मौजूद समान चीजों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचारों को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित करते रहते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज को बदलना चाहते हैं तो
तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रिक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हॉर्नेल। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन असाराफ कहते हैं, यही समस्या है। ज्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीजें क्यों होती हैं। लोगों को अपनी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं जो वो नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है, इसमें कहीं कोई चूक नहीं। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज्यादा भयंकर है, यह नहीं चाहता की बीमारी। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीजों पर प्रबलता से सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस यह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डायल। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। यह नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, इसलिए आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम, आपको यही चीज और ज्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है, यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीजों में भेद नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। लीसा निकोलस, एक लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ हैं, कहती हैं, आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीजों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीजें देगा। हर बार जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण के नियम को यह सुनाई नहीं देता कि आप इसे नहीं चाहते हैं। वह तो बस उन चीजों को प्रकट करता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेद नहीं करता। वह आप किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके आगे ले आता है, चाहे वह जो भी हो। तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज पर अपने विचार केंद्रित करते हैं,
और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आह्वान कर रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। उदाहरण, मैं इन कपड़ों पर कोई चीज नहीं छलकाना चाहता हूँ। मैं इन कपड़ों पर कोई चीज छलकाना चाहता हूँ और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें छलकाना चाहता हूँ। मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता। मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं चाहता हूँ कि यह व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी से पेश आए। मैं नहीं चाहता कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं चाहता हूँ कि रेस्टोरेंट वाले हमारी टेबल किसी और को दे दें। मैं नहीं चाहता कि ये जूते काटें। मैं चाहता हूँ कि ये जूते काटें। मैं इस काम को भी नहीं संभाल सकता। मैं इसके अलावा भी ऐसे बहुत से काम चाहता हूँ जिन्हें मैं नहीं संभाल सकता। मैं फ्लू का शिकार नहीं होना चाहता। मैं फ्लू और अन्य बीमारियों का शिकार होना चाहता हूँ। मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। मुझसे इस तरह मत बोलो। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे इस तरह बोलें और दूसरे लोग भी मुझसे ऐसे ही बोलें। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। और बात खत्म। बॉब प्रॉक्टर। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर यकीन करते हों या नहीं, चाहे आप इसे समझते हों या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन करते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है और रहेगा। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं और सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी नियामतें ला सकते हैं। लीसा निकोलस। यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है जो कोई पॉज बटन नहीं जानती, कोई स्टॉप बटन नहीं जानती। आपके विचारों की तरह यह भी हमेशा सक्रिय रहती है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी से बात सुनते हैं तब भी आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ रहे हैं या टेलीविज़न देख रहे हैं तब भी आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद कर रहे हैं तो भी आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो भी आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो भी आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने के पहले हमारे आखिरी विचार पर काम करती हैं। इसलिए सोने से पहले अच्छे विचारों को सोचें। माइकल बर्नार्ड बिकविट कहते हैं, सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नज़रिया होता है तो वह सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है।
आप इस समय जो भी सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं इसलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या जिस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह यह नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वह आपके बोए विचारों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और ज्यादा स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी और ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आप भी दुखड़ा व्यक्त करेंगे। आपके विचार जिस चीज पर केंद्रित होते हैं यह नियम आपकी ओर ठीक वही चीज प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति तथा घटना को पूरी तरह बदल सकते हैं। बिल हैरिस, शिक्षक और सेंटर पॉइंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक। मेरा रॉबर्ट नाम का एक विद्यार्थी था जो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स कर रहा था तथा ईमेल से मुझसे संपर्क कर सकता था। रॉबर्ट समलैंगिक था। उसने ईमेल्स में मुझे अपने जीवन की कटु सच्चाइयां बताईं। कंपनी में उसके साथ काम करने वाले लोग उसे सामूहिक रूप से सताते थे। वह बहुत तनाव में रहता था क्योंकि वे उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसे होमोफोबिक लोग घेर लेते थे जो किसी तरह से उसका अपमान करना चाहते थे। वह स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग समलैंगिक होने के कारण उसे हर कोई सताने लगता। उसका जीवन दुखमय और कष्टप्रद था। उस पर होने वाले सारे हमले उसके समलैंगिक होने पर केंद्रित थे। मैंने उसे बताया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिन्हें वह नहीं चाहता। मैंने उसका ईमेल उसे फॉरवर्ड करके कहा, इसे दोबारा पढ़ो, तुम मुझे वे सारी चीज़ें बता रहे हो जो तुम नहीं चाहते हो। मैं जानता हूँ कि इस बारे में तुम्हारी भावना बहुत प्रबल है और जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत जोश से ध्यान केंद्रित करता है तो वह ज़्यादा जल्दी होती हैं। उसने इस नियम का पालन करते हुए यह फैसला किया कि वह उसी चीज पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वह चाहता है। उसने सचमुच इसकी कोशिश की। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो कर्मचारी उसे सताते थे उनका या तो किसी दूसरे विभाग में तबादला हो गया या उन्होंने कंपनी छोड़ दी या उसे सताना छोड़ दिया। अब उसे अपने काम में मजा आने लगा। अब सड़क पर चलते समय उसे कोई नहीं सताता था। वे लोग वहाँ पर थे ही नहीं। जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करता था तो लोग तालियां बजाते थे और उसे कोई तंग नहीं करता था। उसकी जिंदगी इसलिए बदल गई क्योंकि उसने अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया और उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दिया जिन्हें वह नहीं चाहता था, जिनसे वह डरता था या जिनसे वह बचना चाहता था। रॉबर्ट की जिंदगी इसलिए बदली क्योंकि उसने अपने विचारों को बदल दिया। उसने ब्रह्मांड में एक अलग फ्रिक्वेंसी प्रेषित करी। ब्रह्मांड को नई फ्रिक्वेंसी के अनुसार तस्वीरें देनी ही थीं, चाहे स्थिति कितनी भी असंभव दिखे। रॉबर्ट के नए विचारों के कारण उसकी फ्रिक्वेंसी बदल गई और उसकी जिंदगी को नई तस्वीर मिल गई। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप इस वक्त चाहे जहां हों, आपके जीवन में चाहे जो भी हुआ हो, आप इसी वक्त अपने विचार बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। निराशाजनक स्थिति जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
आपकी जिंदगी की हर परिस्थिति बदल सकती है। आपके मस्तिष्क की शक्ति। माइकल बर्नार्ड बेकविट कहते हैं, आप उन्हीं प्रबल विचारों को आकर्षित करते हैं जिन्हें आप अपनी जागरूकता में रखते हैं, चाहे वे विचार चेतन हो या अवचेतन। यही मूल बात है। आज आप पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं। अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। डॉक्टर जॉन डेमार्टिनी। बहुत गौर से देखने पर आप पाएंगे कि यह रहस्य यानी आपके दिमाग और इरादे की शक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में चारों तरफ मौजूद है। हमें तो बस अपनी आंखें खोलकर देखना भर है। लीसा निकोलस। आप आकर्षण के नियम को हर जगह देख सकते हैं। आप हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आसपास के लोग, नौकरियां, परिस्थितियां, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशी, आपकी कार, आपका समुदाय, और आपने इन सभी को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा है। आप जिसके बारे में सोचते हैं उसे हकीकत में बदल सकते हैं। आपका पूरा जीवन आपके दिमाग में घूमने वाले विचारों का प्रकटीकरण है। यह ब्रह्मांड बनाता है, हटाता नहीं है। कोई चीज आकर्षण के नियम से परे नहीं है। आपकी जिंदगी आपके प्रबल विचारों का आईना है। इस धरती में मौजूद सारे जीवित प्राणी आकर्षण के नियम के माध्यम से ही काम करते हैं। इंसानों के पास दिमाग है, विवेक है, वे अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करके अपने विचार सुन सकते हैं, चुन सकते हैं। उनके पास निर्णय करने और अपने मानसिक विचारों से अपने जीवन का निर्माण करने की शक्ति होती है। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, क्वांटम भौतिक शास्त्री, लेक्चरर और पुरस्कार विजेता लेखक हैं, कहते हैं, मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे यह बात नहीं कह रहा हूँ, मैं यह बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता, और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में सोचा जा रहा है। आप अगर ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनाने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वुल्फ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क ऐसे विचार सोचता है, वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती रहती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व के निर्माण में भी प्रबल योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास ज़रा भी शक्ति नहीं है, तो दोबारा सोच लें। सच तो यह है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित सृजनात्मक शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकन, कृष्णा और बुद्ध शामिल हैं। बॉब प्रॉक्टर। अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हों, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं यह बात जानता हूं कि आप बिजली से किसी इंसान का डिनर पका सकते हैं और आप इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविट। अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं।
उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह जानने के बाद लोगों की चिंता काफी कम हो जाती है। सच्चाई तो यह है कि आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज लाने के लिए बहुत सी नकारात्मक विचारों को लगातार नकारात्मक सोच की ज़रूरत होती है। बहरहाल आप लंबे समय तक नकारात्मक विचार सोचते रहेंगे तो वे आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगे। अगर आप नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता करेंगे तो आप अपने नकारात्मक विचारों के बारे में ज़्यादा और ज़्यादा चिंताओं को आकर्षित करेंगे और उन्हें कई गुना बढ़ा लेंगे। इसी वक्त फैसला करें कि आप सिर्फ अच्छे विचार ही सोचेंगे। इसी समय ब्रह्मांड के सामने घोषणा करें कि आपके सभी अच्छे विचार शक्तिशाली हैं और सभी नकारात्मक विचार कमजोर हैं। लीसा निकोलस। ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय होता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपका फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने और अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप यही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों जिनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होगा, क्योंकि आप इस दौरान एक नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रिक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं। इसी समय डॉक्टर जो विटाल। अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजा लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के मास्टर एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका आपके दिमाग को शांत रखना सिखाना है। एक पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 दिन से 10 मिनट ही काफ़ी हैं। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप यह संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अभियान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रिक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और वही फ्रिक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। रहस्य संक्षेप। आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसलिए आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। विचार चुंबकीय होते हैं और हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आपके मन से विचार आते हैं तो वह ब्रह्मांड तक पहुँचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रिक्वेंसी वाली सारी चीज़ों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौटकर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रिक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो इसे अपने विचार बदलकर फ्रिक्वेंसी बदल दें।
आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं या जिस पर जितना ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। आपके विचार वस्तु बन जाते हैं।